जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में आप आगे बढ़ें, अपने करियर में, अपने प्यार में, परिवार में सफलता हासिल करें। ईश्वर आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करें, लेकिन आपकी वो इच्छाएं पूरी हों जो सही है आपके लिए, जो पॉजिटिव है आपके लिए। कभी कभी जाने अनजाने हम गलत चीज़ की डिमांड कर बैठते हैं, कभी कभी जाने अनजाने हम ईश्वर से गलत चीज़ की, गलत इंसान की, गलत बिजनेस की, जॉब की जिद कर बैठते हैं। फ्यूचर में उसका परिणाम हमारे लिए अच्छा साबित नहीं होगा। इस वजह से ईश्वर अपने भक्तों को, जो उनके बहुत करीब होते हैं, जो उन्हें दिल से मानते हैं, जो उनके प्रति समर्पित होते हैं, तो ईश्वर उन्हें उस चीज़ से बचाते हैं। लेकिन कभी कभी हम ज़िद्दी हो जाते हैं, हम बिल्कुल ज़िद्द पे अड़ जाते हैं कि चाहे अच्छा हो बुरा हो मुझे यही चाहिए, तो फिर वो मिल जाता है। वो हमें मिल तो जाता है, लेकिन हम पूरी ज़िंदगी सिर्फ रोते हैं, है ना? तो इसी वजह से हम ईश्वर से अक्सर आप लोगों के लिए यही प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आपको वो दें जो आपके लिए पॉजिटिव है, जो आपके लिए सही है। ईश्वर आपको वो बिल्कुल भी ना दें जो आपके लिए नेगेटिव है, जो इन फ्यूचर आपके दुख का कारण बन सके। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। चलिए, आज हम आपके लिए ईश्वर का संदेश लेकर आए हैं, गॉड गाइडेंस लेकर आए हैं, मदर यूनिवर्स का मैसेज लेकर आए हैं। वो आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, आपको कौन सा रास्ता दिखाना चाहते हैं। आप जिन्हें भी दिल से मानते हैं, जिन्हें जिस रूप में पहचानते हैं, वही आपके इष्ट देव हमारे द्वारा, आपके वही इष्ट देव हमारे द्वारा आपको क्या समझाना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप जहाँ पर भी हैं वहाँ 2 मिनट के लिए बैठ जाएं शांति से, क्योंकि सबसे पहले हम एनर्जी क्लीन करेंगे। आपके आसपास अगर कुछ नेगेटिविटी है तो वो क्लियर हो जाए, जिससे आप सही पाइल चूज़ कर सके और आपका मन शांत हो जाए। ठीक है, तो शुरुआत हम हमेशा गायत्री मंत्र से करते हैं और अभी भी करेंगे, तो आप आराम से बैठ जाएं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरे भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। Thank you.
हम आशा करते हैं कि आपका मन थोड़ा शांत हुआ होगा, आपको अच्छा महसूस हुआ होगा। अब आप एक ऑप्शन चूज़ करिए, जिस ऑप्शन की तरफ, जिस फाइल की तरफ आपका मन आकर्षित हो रहा हो, ठीक है, उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। एक बात और, अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया है, प्लीज़ आप वहीं पर कांटेक्ट करें, वहां पर आप व्हाट्सएप करें 8737087414। इस नंबर के अलावा हमारा और कोई दूसरा नंबर नहीं है। हाँ, जब आप इस नंबर पर कांटेक्ट करते हैं और फिर रीडिंग बुक करते हैं, पेमेंट के लिए आपको दूसरा नंबर दिया जाता है, ठीक है। बाकी और कोई तीसरा नंबर नहीं है जहाँ पर आपसे कोई कहे कि ये मेरा पर्सनल नंबर है और आप रीडिंग बुक कर लीजिए, मैं वैष्णवी मैम बोल रही हूँ, ये वो दुनिया भर की बातें। तो आपको इतनी समझदारी रखनी है कि आपको किसी की बातों में नहीं आना है, समझ रहे हैं। अगर आप हमसे रीडिंग लेना चाहते हैं, अदरवाइज़ आप कुछ भी कर सकते हैं, आपकी अपनी स्वेच्छा है, आपकी अपनी स्वतंत्रता है, ठीक है। एक बात और, बहुत हो गई ज़िंदगी में किचकिच, बहुत हो गया रोना धोना, अगर मन भर गया हो तो चलें अपने घर। अब आप कहेंगे कि अजी घर तो ऊपर है लगता है, अभी ऊपर जाने का कोई प्लान नहीं है हमारा। घर आपके अंदर है, आपकी अंतरात्मा में। तो बेकार की चीज़ों से मन भर गया हो तो अब थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी पर ध्यान दे लीजिए, थोड़ी सी आध्यात्मिक उन्नति कर लीजिए, थोड़ा सा आध्यात्मिक विकास कर लीजिए, हाँ मेडिटेशन कर लीजिए। जो लोग करते हैं बहुत अच्छी बात है, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, दिन प्रतिदिन आपकी उन्नति करें। लेकिन जो नहीं करते हैं, जो नहीं जानते हैं, तो उनसे हम कहेंगे कि बहुत हो गया टाइम वेस्ट, अब थोड़ा सा खुद के लिए कुछ किया जाए। तो अगर आपको मेडिटेशन करना नहीं आता है और आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो टेलीग्राम पर हमारा एक ग्रुप है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, स्पिरिचुअल लाइफ। अच्छा, टेलीग्राम पर भी हमारे चैनल के नाम से फेक अकाउंट्स भी बने हुए हैं, लेकिन जो हमारा ग्रुप है, आप वहाँ पर लिखा होगा बहुत सारी चीज़ें, मेडिटेशन की टाइमिंग वगैरह आप सब देख लेना, या फिर आप सीधे लिंक के थ्रू जाकर हमारा ग्रुप ज्वाइन करिए। वहाँ पर कोई पैसे नहीं लगते हैं, पैसे सिर्फ पर्सनल रीडिंग के लगते हैं, समझ रहे हैं, मेडिटेशन के कोई पैसे नहीं, ग्रुप में ऐड होने के कोई पैसे नहीं। और वहाँ पर हम डेली मॉर्निंग में 7 बजे मेडिटेशन कराते हैं और हर संडे हम वहाँ पर लाइव आते हैं। अच्छा, इतनी चीज़ें विस्तार में डिटेल में बताने की क्या ज़रूरत है, परसों से हम अनुष्ठान शुरू कर रहे हैं, गायत्री का ही अनुष्ठान शुरू कर रहे हैं हम। अगर आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में चेंजेस करना, तो प्लीज़ आप उस अनुष्ठान को ज़रूर करें, ज्वाइन करें ग्रुप को। और आपके लाइफ में जो भी समस्या है, आप स्टूडेंट हैं, करियर में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, नेगेटिविटी का शिकार हो रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको बताया जाएगा कि आपको कौन सा अनुष्ठान करना है, कौन सा मेडिटेशन करना है, समझ रहे हैं। जिसको जो समस्या है उस हिसाब से उसको अनुष्ठान सजेस्ट किया जाता है कि आपको इस मंत्र का ऐसे ऐसे करना है, इस मंत्र का ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं, हमारा कोई इसमें स्वार्थ नहीं है, आप अपने जीवन को बदलते हैं तो हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, बस हमारा स्वार्थ इतना है कि आप अपनी लाइफ में खुश रहेंगे और हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो अगर आप चाहें तो ग्रुप ज्वाइन करें और अनुष्ठान ज़रूर करें, अपनी ज़िंदगी में चेंजेस लेकर आएं। ग्रुप ज्वाइन करना है तो आज ही ज्वाइन करिए और कल सुबह मॉर्निंग में 7 बजे बातचीत कर लेना अनुष्ठान की। अगर आप लेट करते हैं तो फिर नेक्स्ट अनुष्ठान ही आप ज्वाइन कर पाएंगे, क्योंकि अभी तो 26 तारीख से शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते थे, और आई होप कि आपने फाइल चूज़ कर लिया होगा, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे,
अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे, और अगर नहीं बढ़ रहे हैं तो बढ़ना शुरू कर दीजिए। एक जगह रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पता है रुका हुआ पानी सड़ जाया करता है, वो पीने लायक नहीं रहता, और बहता हुआ पानी शुद्ध होता है, रुका हुआ पानी अशुद्ध होता है। ऐसे रुका हुआ इंसान सड़ जाता है, स्टक हो जाता है, उसकी मानसिकता संकुचित हो जाती है और वो लाइफ में कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाता। लेकिन जो आगे बढ़ते रहते हैं, ईश्वर का नाम लेते रहते हैं, समर्पण भाव से ईश्वर के प्रति ग्रेटिट्यूड रखते हैं, समर्पित होकर ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, तो उनका भला भी होता है। वो ज़िंदगी में बहुत कुछ करके जाते हैं। हम क्यों सब कुछ बोल रहे हैं आगे बताएंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। ईश्वर आपको हमारे द्वारा क्या बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं? आज आपके स्पिरिट गाइडर जो भी हैं, आपके इष्ट देव देवी माँ जिन्हें भी आप मानते हैं, आज उन्होंने आप तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए हमें चुना है। वो देख रहे थे कि उनके बच्चे को एक गाइडेंस की ज़रूरत है, वो देख रहे थे कि उनका बच्चा रुका हुआ है, चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है, जो जैसा है वैसा देख नहीं पा रहा है, उनका बच्चा भ्रमित हो गया है, और इसी वजह से आज वो हमारे द्वारा आपको कुछ गाइडेंस देने वाले हैं, कुछ संदेश देने वाले हैं, आपको समझाने वाले हैं, आपको सही रास्ता दिखाने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो पूरा देखना है। रीज़न बताते हैं, बहुत सारे लोगों की अलग अलग ऊर्जा है, क्योंकि जर्नल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग तो है नहीं आपकी, तो अलग अलग समस्याएं हैं, सबका अलग अलग समाधान है, लेकिन ऑलमोस्ट एक ही जैसी समस्याएं हमें पाइल नंबर 1 में दिख रही हैं ज़्यादातर करके लोगों की, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर आज आप इस वीडियो तक आए हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो यकीन मानिए कि आप खुद नहीं आए हैं, आप खुद नहीं देख रहे हैं, आपको दिखाया जा रहा है ईश्वर के द्वारा, आपके एंजल्स के द्वारा। चलिए थोड़ा सा साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। आपका साइन हो सकता है इधर आप अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन वृषभ कन्या मकर राशि, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि, वाटर साइन भी है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसियस कर्क वृश्चिक मीन राशि, एरीस लियो सैजिटेरियस फायर साइन के एनर्जी थोड़ी सी कम है बट थोड़ी सी कम है, ठीक है। चलिए आपको श्योरिटी हो कि ये रीडिंग आपकी ही है, इसके लिए हम आपकी डेट ऑफ बर्थ बताते हैं। आपका जन्म किसी भी महीने की 10 तारीख, 15 तारीख, 21 तारीख, 3 तारीख, 30 तारीख, 8 तारीख, 14 तारीख, 4 तारीख, 6 तारीख, 23 तारीख, 26 तारीख, 11 तारीख, 9 तारीख, 5 तारीख को हुआ होगा। आपका बर्थ मंथ बताते हैं, जुलाई, मार्च बहुत स्ट्रांग है, जून, अक्टूबर, अप्रैल, जनवरी, ठीक है। ये यहाँ पर आपका बर्थ मंथ है।
आपके नेम के इनिशियल की बात करते हैं, आपके नेम का इनिशियल हो सकता है इधर ए आर जे एल आई सी ओ एन यू डब्ल्यू बी एच क्यू, ठीक है, ये यहाँ पर इनिशियल है। अच्छा, आपकी जो एनर्जी है, हम इस एनर्जी के हिसाब से आपको एक मोटिवेशन सॉन्ग सुनाते हैं, मोटिवेशन देने वाला मोटिवेशनल सॉन्ग सुनाते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर आपकी जो समस्याएं देख रहे हैं कि निराश, डिसअपॉइंट, उदास, बहुत उम्मीदें की थी टूट गई हैं, क्या क्या सोचा था और क्या हो गया, कभी सोचा ना था कि ऐसा भी होगा लेकिन हो गया, जिंदगी कहाँ ले जा रही है कुछ पता नहीं है, जैसा चाहते हैं वैसा होता नहीं है, क्यों नहीं होता कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कि किसी एक ऊर्जा में स्टक हो गए हैं, आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सब खत्म हो गया है, कुछ बचा नहीं है, किससे कहें, किसको सुनाएं, कौन समझेगा, ऐसा कोई दिखता नहीं है, किसी रिश्ते का अंत हुआ है इधर, बहुत सारे लोगों की ये एनर्जी है, किसी रिश्ते का अंत हुआ है, जॉब छूट गई है, बिजनेस में सडनली कोई नुकसान हो गया है, कोई एग्ज़ाम दिया था वो क्लियर नहीं हो पाया, हाँ कहीं कोई बात चल रही थी शादी की या फिर जो भी, जैसे कि बात बनी नहीं, कोई बिजनेस करना चाह रहे हो पार्टनरशिप में, या फिर किसी के कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो, जैसे कि 100 बात की एक बात कहें कि कुछ होप थी, कुछ उम्मीद थी, जो सोचा था वो हुआ नहीं, वो सब कुछ बिल्कुल अपोजिट हुआ है उसके, तो थोड़ा सा दुखी हैं आप, तो आंखें बंद करिए और ऐसा समझना कि हम नहीं बोल रहे हैं, ये जो हम सॉन्ग सुनाने वाले हैं आपको, ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? जिसका जितना हो आंचल यहाँ पर, उसको 100 गात उतनी मिलेगी, हो जिसका जितना हो आंचल यहाँ पर, उसको 100 गात उतनी मिलेगी, फूल जीवन में गर ना खिले, कांटों से निभाना पड़ेगा, फूल जीवन में गर ना खिले, कांटों से निभाना पड़ेगा, जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा, जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा, जिंदगी एक पहेली भी है, सुख दुख की सहेली भी है, हो जिंदगी एक पहेली भी है,
सुख दुख की सहेली भी है, जिंदगी एक वचन भी तो है, इसे सबको निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। ईश्वर कहना चाहते हैं, मेरे बच्चे जिसका जितना हो आंचल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी ही मिलती है। अगर कुछ ज़्यादा चाहिए तो आंचल बड़ा करना पड़ेगा। हाँ, हैंकी फैला कर कुछ मांगोगे तो उतना ही मिलेगा ना। अपना आंचल बड़ा करिए, अपनी समझ का विस्तार करिए, अपने अंदर अंडरस्टैंडिंग लेकर आइए। जिसका जितना हो आंचल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। छोटा सा पल्लू लेकर आप मांग रहे हैं, यहाँ तो अनंत मिलने वाला है आपको, यहाँ तो अनंत मिलने वाला है आपको, तो क्यों ना आप अपना आंचल भी बड़ा कर लें। जिसका जितना हो आंचल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। और फूल जीवन में गर ना खिलें, कांटों से निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इससे भाग नहीं सकते आप, इसे समझदारी से गाइए, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। भगोड़े मत बनिए, परिस्थितियों से मत भागिए। इंसान घर बदलता है, इंसान बदलता है, मकान बदलता है, दुकान बदलता है, सब कुछ बदल देना चाहता है। जब उसके जीवन में दुख आता है ना, तो वो सोचता है इस इंसान की वजह से दुख आया तो इस इंसान को छोड़ दो भाई, इस जगह की वजह से, इस स्थान की वजह से दुख आ रहा है, इस जगह को छोड़ दो, इस दुकान में कुछ नेगेटिविटी है तो इस दुकान को छोड़ दो, है ना। हम सब ना कभी खुद के अंदर झांक कर नहीं देखते कि कहीं मुझ में कुछ कमी तो नहीं, कहीं मुझे खुद को बदलने की ज़रूरत तो नहीं है, हैं? नहीं सोचते ना हम, सोचते हैं हमारी ज़िंदगी में जो दुख आया ना, सब इसकी वजह से आया, सब हमें ब्लेम करने की आदत हो गई है। तो आदत बदल दीजिए, क्योंकि अब खुद को बदलने का टाइम है। हाँ, अब खुद को बदलने का टाइम है। जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे, तब तक ज़िंदगी में आप सुखी नहीं रहेंगे। ध्यान रखना, कहाँ जाएंगे भागकर? मान लीजिए कि किसी इंसान के साथ कुछ कुछ गलत हुआ, किसी के साथ आपके रिश्ते नहीं बन रहे, आपके परिवार में ही आपकी बन नहीं रही है, तो आपको लगता है कि मैं घर छोड़ के चला जाऊँ, घर छोड़ के चली जाऊँ तो सुखी हो जाऊँगी। नहीं, नहीं सुखी होंगी आप। थोड़ा सा खुद के अंदर भी परिवर्तन लेकर आइए। कैसा परिवर्तन? उन लोगों से अपेक्षाएं मत करिए जो उस लायक ही नहीं है, अपेक्षाएं उनसे करिए जो उस लायक हैं। और वैसे भी कोशिश करिए कि आप अपेक्षा रहित जीवन जिए, ज़्यादा उम्मीदें ना पालें किसी से, खुद पे ट्रस्ट करें, ज़्यादा लोगों पर ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें कि वो ऐसा करेगा ही करेगा, है ना। संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना। जब कोई न हो अपना, जब कोई न हो अपना, प्रभु नाम लिया करना। ईश्वर का नाम लीजिए, उन्हें याद करिए, वो हैं समर्थ, वो आपकी सभी उम्मीदों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि उनके बच्चे के लिए क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। ऐसे ही नहीं आपकी उम्मीदें पूरी करने लग जाएंगे वो,
पहले वो देखते भी हैं कि जो मांग रहा है ये वो उसके लिए सही है भी या फिर नहीं। यहाँ पर सिचुएशन हम बता देते हैं बहुत सारे लोगों की। सेपरेशन की स्थिति चल रही है, परिवार में कलह क्लेश का माहौल है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं बट सफलता नहीं मिल रही है और स्टक हैं। दिन प्रतिदिन एनर्जी आपकी लो होते जा रही है और रिश्तों में बस विश्वास नहीं है, आपको ट्रस्ट नहीं है आपको। हमें पता है आप बहुत काइंड हार्टेड हैं, बहुत ओपन हार्टेड हैं, बहुत दयालु हैं, दिल में कुछ नहीं रखते, बोल देते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा पॉजिटिव नहीं है आप, आपको नहीं लगता। अपने रिश्ते को इतनी फ्रीडम दीजिए कि वो आपके साथ आप घुटन ना महसूस करे। जिस रिश्ते में घुटन महसूस होने लगती है ना, वो टिकता नहीं बहुत समय तक, ध्यान रखना कोई भी रिश्ता हो। अभी आप ही बताइए, अगर जब आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा रोक टोक करते हैं छोटी छोटी बातों पे, ये क्यों किया वो क्यों किया, उनका करना स्वाभाविक है, वो माँ हैं वो पिता हैं, ठीक है उनका करना स्वाभाविक है क्योंकि उन्हें डर लगता है दुनिया से कि पता नहीं, समझ रहे ना आप। लेकिन फिर भी हमें बुरा लगता है यार, कितना इतना क्यों सोचते हो आप इतना, मतलब कभी कभी कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं कि अपने बच्चे का पूरा करियर ख़राब कर देते हैं ओवर थिंकिंग की वजह से, ज़्यादा सोचने की वजह से, ज़्यादा मोह में होने की वजह से। हमने कई परिवारों को ऐसा देखा है, कई लोगों को ऐसा देखा है कि वो अपने बच्चे को वो काम करने नहीं देते जो उसका पैशन होता है, क्योंकि हो सकता है कि वो दूर जाकर कुछ करने की बात सोच रहा हो, तो वो सिर्फ मोह की वजह से कि नहीं तुम ये नहीं करोगे, तुम यहाँ नहीं जाओगे, तुम ये नहीं करोगे, तुम वो नहीं करोगे, ऐसे उनका पूरा करियर दांव पर लगा देते हैं, है ना, होता है ना, मोह की वजह से ख़राब कर देते हैं। फिर हमें बुरा लगता है, हम फिर ज़िंदगी भर उनको कोसते हैं कि आपकी वजह से, अगर आपने मुझे जाने दिया होता, आपने मुझे करने दिया होता, आपने ओवर थिंकिंग नहीं की होती तो कितना कुछ हो जाता आज लाइफ में। फिर हम उन्हें कोसते हैं ना, ऐसे ही जब आप अपने पार्टनर को, फिर किसी को भी, अपने बच्चों को, जिसको भी आप जिस वजह से दुखी हैं, तो जब आप बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज बनाते हैं ना, तो फिर वो इंसान घुटन महसूस करने लगता है, फिर वो आपसे झूठ बोलने लगता है, फिर वो आपसे बातें छुपाने लगता है ना। दरिया दिली दिखाया करिए थोड़ा सा, जैसे कि ऐसे बात किया करिए जिनसे भी इतने ओपन हार्टेड, जैसे कि सामने वाला इंसान आपसे कुछ छुपा ही ना पाए। मान लीजिए कि उसने कुछ गलती की, उसने आपको बताया, ये जो वो है वो कोई भी हो सकता है, प्यार, परिवार, आपका बच्चा, कोई भी, आपका दोस्त, आपका भाई बहन, रिश्तेदार, कोई भी, और आपने बहुत ओवर रिएक्ट कर दिया, तुम्हें तमीज़ नहीं है, तुम्हें ये नहीं है, तुम्हें वो नहीं, आपने बहुत ज़्यादा कर दिया, दोबारा आपसे बताएगा नहीं वो। और ज़िंदगी तो चलती रहती है, उतार चढ़ाव तो होता रहेगा, घटनाएं तो घटती रहेंगी, बट वो आपसे कहेगा नहीं, नहीं कहेगा, बस छोड़ देगा, हटाओ छोड़ो, क्योंकि आपने ओवर रिएक्ट कर दिया ना। समझाइए मगर प्यार से। आपको पता है हम अपने रिश्ते कैसे संभालते हैं, अपना एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कि हमारा कोई अपना है जिसने कोई गलती कर दी, तो हमें पता है कि गलत किया है इसने, तो हम उसी वक्त रिएक्ट नहीं करते हैं, उस वक्त हम उसको बहुत प्यार से सुनते हैं और उसको ज़रा सा भी जाहिर नहीं होने देते कि हमें गुस्सा आ रहा है, हमें बुरा लग रहा है, तुमने ऐसा क्यों किया, ठीक है। उस वक्त हम ऐसे बात करेंगे कि वो अपने मन में कुछ ना रखे, सब बता दे, लेकिन हमें पता है कि हमें उसे समझाना भी है। फिर एक दो दिन बाद जब मैटर, हमारा मन भी शांत हो जाए और थोड़ा मैटर भी शांत हो जाए, जो भी है, फिर हम उसको समझाते हैं, गुस्सा भी दिखाते हैं, लेकिन तुरंत नहीं, बिल्कुल लॉजिकल होकर अच्छे से प्यार से तब उसको गुस्सा दिखाएंगे कि हाँ ये नहीं करना था, ये तुमने ऐसे किया, लेकिन उसको बिल्कुल ये महसूस कराते हैं कि ये कहना ज़रूरी था, वरना तुम दोबारा ऐसी गलती करते, ये नहीं करना चाहिए। ऐसे अगर आप तुरंत तुरंत किसी चीज़ के लिए ओवर रिएक्ट करोगे ना, तो फिर आप ध्यान रखो, आप पेरेंट्स हो, भाई बहन के लिए आप परेशान रहते हो,
अपने पार्टनर के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए अगर उनसे कोई गलती हो जाती है, वो आपसे बताते हैं, तो आप तुरंत ओवर रिएक्ट ना करें, थोड़ा समझने की कोशिश करें। गलती इंसानों से होती है, हैं, सुना है ना हम सब ने हमेशा, गलती इंसानों से होती है। तो हो गई गलती, अब क्या कर लोगे, आप क्या करोगे? थोड़ा सा उस वक्त समय को समझने की कोशिश करिए, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। हम समझते हैं दुख होता है, बुरा लगता है, गुस्सा आता है, यहाँ पर कुछ ऐसा ही हो रहा है। जैसे कि एक होता है ना, विश्वास टूटा है आपका, दिल टूटा है आपका बहुत बुरी तरीके से, जैसे कि सब खत्म सा हो रहा है। तो ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, कुछ चीज़ें हम पहले बताएं। ये जो भी हुआ है ना, ईश्वर की मर्जी से हुआ है, इतना समझ लो। जो भी हुआ है, शादी टूट गई है, जॉबलेस हो गए हैं, कोई छोड़ के चला गया है, किसी ने धोखा दे दिया है, सब कुछ सब कुछ सब कुछ वो नियति की तरफ से हुआ है। क्यों? अभी आपको और ज़्यादा खुद पर वर्क करने की ज़रूरत है, अभी आपको और ज़्यादा खुद को चेंज करने की ज़रूरत है, खुद को बदलने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है, आपको और भी ज़्यादा अपने अंदर अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। गलत लोगों को, सही लोगों को आप पहचान सकें, इस वजह से आपको अपने इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है, हाँ, अपनी पावर को पहचानने की ज़रूरत है। ये जो बार बार आप फंस जाते हैं ना, मैं स्टक हो गया, नहीं, स्टक ही तो नहीं होना। रुका हुआ पानी कभी मत बनिए, बहता हुआ पानी बनिए, बहता हुआ, बह जाने दीजिए, छोड़ दीजिए अपने आप को। जैसे कि जैसा हाथ पैर मत फड़फड़ाइए, अगर आप ईश्वर से प्रेम करते हैं ना, तो बस उनके भरोसे सब छोड़ दीजिए कि ये जी, ये लो जी, मैंने छोड़ दिया, और पकड़ लो मेरा हाथ, ले चलो वहाँ जो आपको सही लगता हो। कौन आएगा, कौन जाएगा, कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, सब आप तय करो, सब आप तय करो। मुझे आप पर यकीन है, मुझे पता है कि मैंने आपको समर्पित कर दिया है, तो मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे आप, मुझे यकीन है, मुझे ट्रस्ट है इस बात पर। तो एक बार करके देखो, एक बार दिल से समर्पण करके देखो। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि गोइंग विद द फ्लो, फ्लो जैस जिधर चल रहा है आपकी ज़िंदगी, आपको जिस डायरेक्शन में ले जा रही, फ़िलहाल आप उसी डायरेक्शन में चले जाओ, बह जाओ। ऐसा मान लो कि आप एक नदी में गिर गए हैं, अब बस आप इस वक्त आपका माइंड कुछ काम नहीं कर रहा, तो आप हाथ पैर मत फड़फड़ाओ, उस नदी में खुद को समर्पित कर दो कि ठीक है, तुम ले चलो, जिधर ले चलना है ले चलो। यकीन मानो, आप बिल्कुल किनारे लग जाओगे, वो आपको सही जगह पहुंचा देंगे। एक बात और, अभी हमें कुछ दिन पहले पता चली है, अगर आप ज़िंदगी के ऐसे मोड़ पर हैं जहां पर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, किसी रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हैं, किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, लाइफ स्टक हो गई, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी ज़िंदगी मुझे कहाँ ले जा रही है, अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ, तो 1 महीने आप वो करिए जो अभी हम आपको बताने वाले हैं, आपको आपका सही डायरेक्शन मिल जाएगा। अब करना हम जो बता रहे हैं, हाँ, ये नहीं कि हमने बताया आपने वो किया नहीं। अगर ज़िंदगी ऐसे दोराहे पर अटकी है, करो या मरो की स्थिति है कि अब तो ये तो जी जाएंगे तो मर ही जाएंगे, तो रात को जल्दी सो जाइए, है ना, रात को जल्दी सो जाइए, और डेली 3 बजे रात को उठने की कोशिश करिए, और 3 बजे रात में उठकर 1 घंटे तक अपनी छत पर बैठिए, अपनी बालकनी पर बैठिए, ठीक है, बस बैठिए, कुछ करिए मत, झोंके मत लेते रहना, और बस 3 बजे से लेकर 4 बजे तक ये प्रे करिए कि जो मेरे लिए सही हो वो रास्ता दिखा दो, जो मेरे लिए सही हो वो रास्ता दिखा दो, मुझे वहाँ पहुँचा दो जहाँ पहुँचने के लिए मैं इस दुनिया में आया हूँ, फिर आई हूँ, क्यों भटका रहे हो मुझे, क्यों अच्छे ऐसे ऐसे लोगों से मिला रहे हो कि मैं टूट जाऊँ, मुझे पार लगा दो, मुझे मेरा सही रास्ता दिखा दो, बस
एक घंटे तक ऐसे चुपचाप छत पे बैठ के या फिर बालकनी में बैठ के ऐसे बोलना है। एक महीने के अंदर आप वहाँ पहुँच जाएंगे, आपको वो डायरेक्शन मिल जाएगा। अगर कन्फ्यूज़न की स्थिति है करियर को लेकर, प्यार को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, तो एक महीने में आप वहाँ पहुँच जाएंगे जिसके लिए आप पैदा हुए हैं, जिसके लिए आप धरती पर आए हैं, समझ रहे हैं, जिस कार्य के लिए आप आए हैं आपको वहाँ पहुँचा दिया जाएगा। ध्यान रखना इस बात को, 3 से लेकर 4 तक, ठीक है। और फिर उसके बाद थोड़ा सा 4 से लेकर 4:30 तक मेडिटेशन कर लीजिए। फिर आपको ज़्यादा नींद लग रही हो, हम समझ सकते हैं नींद बहुत ज़रूरी है, तो आप योग निद्रा कर लीजिए। फिर उसके बाद आप जितनी टाइम तक भी सोते हैं, 7-8 तक, उसके बाद आप योग निद्रा करते करते सो जाइए, आपकी नींद पूरी हो जाएगी। नींद पूरी होनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब हम योग निद्रा करते हैं ना, तो हमारी 8 घंटे की नींद 2 घंटे में पूरी हो जाती है। फिर आप योग निद्रा करते करते सो जाइए, बस सिंपल, ना इशू होगा कोई नींद का, और आप वो पता कर लेंगे जिसके लिए आप धरती पर आए हैं। ईश्वर आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि आपको बहुत जलाया जा रहा है इस टाइम पे, आपको बहुत ठोका पीटा जा रहा है, समझ रहे हैं, इस वजह से जिससे आप निखर सकें, जिससे आप निखर सकें, और आपको अपना रास्ता स्वयं बनाना है, ये समझ लो। अपनी अंडरस्टैंडिंग से अभी आपकी हीलिंग हो रही है, आपको थोड़ा सा खुद की हीलिंग करने की भी ज़रूरत है। अगर आप अपना ब्राइट फ्यूचर चाहते हैं, आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट लीजिए थोड़ा सा, हमने बताया ना ध्यान बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, सच बता रहे, ध्यान इंसान को बदल के रख देता है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देता है। ना यकीन हो तो हमारे ग्रुप में आ जाओ, और जो हमारे ग्रुप के मेंबर्स हैं कभी उनसे पूछो, जो ओल्ड मेंबर्स हैं, कि भाई तुम इतने समय से ध्यान कर रहे हो क्या हुआ, तो वो बताएंगे कि क्या हुआ, जो इम्पॉसिबल था वो भी पॉसिबल हुआ। हाँ, हम नहीं कहेंगे, हम किसी को सिखाते पढ़ाते नहीं कि तुम ये बोलो, ना हमें आपसे कोई लालच है, न लोभ है, बस प्यार करते हैं आप सबसे बहुत ज़्यादा, इसी वजह से बता रहे हैं। तो अभी जो सिचुएशन है, ईश्वर कई बार मतलब कहना चाह रहे हैं कि लेट गो, लेट गो, लेट गो, इस इमोशंस को, इस दर्द को रिलीज़ करो, लेट गो करो इस एनर्जी से, और आगे बढ़ो, खुद को पहचानो, खुद की पावर को पहचानो, बैलेंस करो अपनी लाइफ में, संतुलित करो अपनी लाइफ को। जो चीज़ें आपके लिए बनी हैं, जो आपके लिए हैं, वो आपको मिल जाएंगी, ये समझ लीजिए। बस एक महीने, आपको एक महीने का मान लीजिए कोर्स है ये, आप एक महीने का ये कोर्स कर लो, ठीक है, एक महीने, बस एक महीने आप हमें दे दो, अपना एक महीने का टाइम आप हमें दे दो। ऐसा नहीं कि दिन रात हम आपसे टाइम लेने वाले हैं, नहीं, बस एक महीने, सच बता रहे हैं। आप यहाँ कमेंट में भी आभार व्यक्त करेंगे और ग्रुप में भी आभार व्यक्त करेंगे। हाँ, अभी जो सिचुएशन है ना कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, डू एंड डाई की जो ये सिचुएशन है ना, ये डू एंड डाई की सिचुएशन से आप बाहर निकल आएंगे, और आप वहाँ पहुँच जाएंगे, उस रास्ते में पहुँच जाएंगे जिस रास्ते में सिर्फ खुशियाँ हैं, प्यार है, सक्सेस है, ठीक है। तो ये है ईश्वर का मैसेज। देखो, आज हमने ना सास बहू की लड़ाई नहीं बताई है, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका की कहानी नहीं सुनाई आपको, क्योंकि करंट फीलिंग रोज़ रोज़ करते हैं हम, ये कुछ अलग था, ये कुछ अलग लेवल की बातें थी। हमें पता है हमने कोई आपको वेद की ऋचाएँ नहीं सुनाई हैं, सिर्फ समझाया है नॉर्मली, समझ रहे हैं, और हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आया है समझ में, इशारा किया है हमने, कहते समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, और डूबते के लिए तिनके का सहारा काफ़ी होता है ना, समझ गए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप समझ गए हैं और आपकी जो समस्या थी आपको उसका समाधान मिल गया है, कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। जय श्री कृष्ण। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, सिर्फ अपने बारे में सोचिए, अपने खुशियों के बारे में सोचिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है।
जय श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर टू, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 111 में। डियर, ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं? ईश्वर आपके स्पिरिट गाइडर, आपके एंजल्स, आप जिन्हें भी बहुत मानते हैं, जिन्हें भी, वो आपको हमारे द्वारा क्या बताना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? तो डियर, चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। देखिए, इधर भी जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइन है वो है एडीज लियो सजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला कुंभ राशि, बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है लेकिन बहुत कम है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी है लेकिन बहुत कम है, ठीक है। चलिए आपके डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं। डियर, आपका जन्म किसी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख, 15 तारीख, 18 तारीख और 26 तारीख को हुआ होगा। और देखिए, इधर जो बहुत स्ट्रॉन्ग है वो है 5 तारीख, 25 तारीख, 9 तारीख, 3 तारीख, 1 तारीख और 4 तारीख, 6 तारीख, 8 तारीख, 21 तारीख, 30 तारीख, ठीक है, इस डेट में आपका जन्म हुआ होगा बहुत सारे लोगों के लिए। अब बात करते हैं बर्थ मंथ की, मई, मार्च, सितंबर, नवंबर, जनवरी, अप्रैल, जून, फरवरी, अगस्त, बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। आपके नाम के पहले अक्षर की बात करते हैं, टी डब्लू ए एन के जी आर एस क्यू डी पी ओ और एच, ठीक है, ये है इनिशियल, ये है आपके नाम का पहला अक्षर। कभी कभी देखिए डेट ऑफ बर्थ मैच करती है, कभी कभी नहीं मैच करती, लेकिन रीडिंग मैच कर जाती है। आज ही हमारे पास किसी का मैसेज आया था, वो हमसे पूछ रहे थे कि दीदी डेट ऑफ बर्थ तो मैच हुई नहीं लेकिन रीडिंग पूरी मैच हुई, तो इसका क्या मतलब है, क्या वो रीडिंग मेरे लिए थी? 100% वो रीडिंग आपके लिए थी। कभी कभी डेट ऑफ बर्थ मैच करती है, कभी कभी नहीं करती है, कभी कभी रीडिंग मैच करती है, कभी कभी नहीं करती है, तो कोई टेंशन नहीं, आप अपनी समझदारी दिखाइए, है ना। जो चीज़ें मैच करती हैं आपसे, जो बातें लगती हैं कि हाँ ये हूबहू मुझसे मैच कर रही है, ये मेरे लिए है, तो उसमें आपके लिए कुछ गाइडेंस ज़रूर होगा। बस आप अपने गाइडेंस ले लो, जो मैच नहीं कर रहा है वो शायद किसी और के लिए होगा, क्योंकि आपको तो पता है कि जर्नल रीडिंग होती है। चलिए सबसे पहले हम आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये देखते हैं, उसके बाद ही तो आप इस रीडिंग को जोड़ पाएंगे खुद से कि हाँ ये मेरे लिए है। इस वक्त आप में से बहुत सारे लोगों की सिचुएशन ऐसी है कि बहुत रोना आ रहा है, बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, लेकिन अफसोस कि आप किसी को बता नहीं सकते, अफसोस कि आप किसी को जता नहीं सकते, कोशिश करते हैं कि कोई जान ना पाए और हम अपने आंसू पोंछ लें, अपने दर्द को भी अंदर सहकर ऊपर से हमें स्माइल देनी पड़ती है, दिखाना पड़ता है कि नहीं सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन ज़िंदगी में कुछ भी नॉर्मल नहीं होता। करियर बहुत इम्पॉर्टेंट है हर किसी के लिए, लेकिन अगर रिश्तों में बैलेंस हो, प्यार में, परिवार में, हर तरह से अगर बैलेंस हो और परिवार के लोग अच्छे हों, समझने वाले हों, या फिर हम जिससे प्यार करते हैं अगर वो हमें समझता हो, वो हमें मोटिवेट करता हो, तो करियर में एक बार हमें हार भी मिल रही हो ना, तो भी जैसे कि ज़्यादा टेंशन नहीं होती, क्योंकि जो हमारे अपने होते हैं वो हमें समझते हैं, है ना, वो समझते हैं, हमें डीमोटिवेट नहीं करते, हमें समझाते हैं। लेकिन लेकिन अगर हमारा प्यार ही हमारे खिलाफ़ हो, हमारा परिवार ही हमारे खिलाफ़ हो, अगर हमारा परिवार ही हमें ना समझे, तो फिर पूरी दुनिया बेगानी सी लगती है, पूरी दुनिया बेगानी सी लगती है ना, क्योंकि हमें उम्मीदें अपनों से ही होती हैं कि वो हमें समझेंगे,
और एक बार अगर करियर में हमें फेलियर का सामना करना भी पड़े तो भी वो हमें समझेंगे, वो हमें समझेंगे, लेकिन जब वो नहीं समझते तो बड़ी तकलीफ़ होती है। यहाँ पर ऐसा ही बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। अब हम यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी देख रहे हैं कि आप किसी को अपना सर्वस्व मान बैठे थे, किसी के ऊपर आपने अपने आप को न्यौछावर कर दिया था, आपने अपने जीवन की पूरी बागडोर उसके हाथ में थमा दी थी। हमें नहीं पता कौन है, आपने उस पर कुछ ज़्यादा ही, ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास कर लिया था, समझ रहे हैं, लेकिन वो उस लायक नहीं था। आपको लगता था कि इसके साथ कंप्लीशन महसूस करते हैं, आपको लगता था कि इसके साथ मेरी लाइफ कंप्लीट हो रही है। हाँ, कुछ लोगों के करियर को देखकर हम यहाँ पर ऐसा फील कर पा रहे हैं कि शायद आपका कोई बिजनेस पार्टनर था या फिर आपका कोई ऑफिस फ्रेंड, कोई भी करियर से रिलेटेड आपको किसी ने कोई कमिटमेंट दिया था कि वो ऐसा ऐसा करेंगे, और आपने बड़ी होप बना ली थी, बड़ी उम्मीदें रखी थी कि अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर हम ये मैनेज कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम ये कर लेंगे। जैसे कि आपको बस ये लग रहा था कि ये तो मेरे साथ है ही, और अगर ये मेरे साथ है तो टेंशन की कोई बात नहीं है, मुझे डेफिनेटली 100% सक्सेस मिलेगी, ये सोचा था ना। लेकिन डियर, वो हो नहीं पाया। वो इंसान आपको धोखा दे गया, वो इंसान अपना असली चेहरा दिखा गया, अपनी असलियत दिखा गया, और इस वक्त आपको नींद नहीं आ रही है, रातों में नींद नहीं आ रही है, आप उठ उठ के रो रहे हैं कि सब कैसे मैनेज करेंगे, सब कैसे करेंगे। कुछ लोगों का यहाँ पर रिश्ता टूट गया है, हाँ कुछ लोगों का यहाँ पर रिश्ता टूट गया है, आपका रिश्ता टूट गया हो, आपके परिवार में किसी अपने का, आपके किसी अपने का रिश्ता टूट गया हो, कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप अंदर से बहुत परेशान हैं। और शर्त ये भी है कि रोना तो है पर दिखाना नहीं है, आप किसी को बता भी नहीं पा रहे, दिखा भी नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो किसी ऐसे इंसान से बेहद प्यार कर बैठे थे जो उनकी सोल लेवल का था ही नहीं, जो महज बहुत बचकाना, बहुत इमेच्योर पर्सन था, जो सिर्फ आपको पाना चाहता था, आपको यूज़ करना चाहता था, समझ रहे हैं। आपको पता है दुनिया बहुत आगे निकल गई है, आज के टाइम पे लोग किसी को इस्तेमाल करने के लिए वाह वाह ऐसे ऐसे शब्द यूज़ कर लेते हैं कि ऐसा लगता है कि हे भगवान, इससे ज़्यादा प्यार तो मुझे कोई कर ही नहीं सकता, इससे ज़्यादा अच्छा इंसान तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, वो आपकी इतनी केयर करेंगे, वो इतना दिखाएंगे कि पूछो ही मत। और कुछ होते हैं मासूम, भोले भाले, इनोसेंट लोग जो बातों में आ जाते हैं, जो बातों में आ जाते हैं और फिर बाद में वो बहुत रोते हैं, बाद में बहुत रोते हैं। ऐसा ही यहाँ पर कुछ लोगों के साथ हुआ है। कोई था, इमेच्योर पर्सन था, बस उसे बातें बनानी बहुत आती थी, बातें करने बहुत एक्सपर्ट था, उसने कहीं ना कहीं अपनी बातों में आपको रिझा ही लिया, उसने अपनी बातों में आपको फंसा ही लिया और आप फंस गए। लेकिन आपको पता है वो कभी आपसे दिल से जुड़ा ही नहीं था, वो सिर्फ आपको शारीरिक लेवल पर प्यार करता था, वो सिर्फ आपको यूज़ करना चाहता था, वो सिर्फ एक तरीके से आपके साथ टाइम पास कर रहा था, और आपने उसको बहुत कुछ समझ लिया, लेकिन अब आजकल आप बहुत परेशान हैं उसकी वजह से। वो आपके लेवल का था नहीं, आपने अपनी लेवल के इंसान से प्यार किया नहीं, और आप उसके साथ लाइफ में बहुत आगे बढ़ गए, बहुत हद तक आगे बढ़ गए, और आज वो इंसान आपके आंसुओं की वजह बना हुआ है। या तो उसने आपका दिल तोड़ दिया है, या फिर वो कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है जिसकी वजह से आप अंदर ही अंदर टूट रहे हैं पर किसी से कह नहीं पा रहे हैं। आप में से ही कुछ लोगों की सिचुएशन अब ऐसी है, शायद जैसे कि एक होता है ना कि संसार में बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं कि सक्सेस पाना है, शादी करनी है, बच्चे करने हैं, बहुत अच्छी मैरिड लाइफ जीनी है। हाँ, बहुत सारे लोगों का ख्वाब होता है, हर किसी का नहीं बोल सकते, लेकिन आप में से यहाँ पर बहुत सारे लोगों का मन भर गया इन चीज़ों से। आपको लगता है कि ना मुझे शादी करनी है, ना मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है इन सब चीज़ों में। आप जैसे कि अब किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना चाहते, अब जैसे कि आप अकेले जीना चाहते हैं। एक होता है ना कि लीव मी अलोन,
मुझे अकेला छोड़ दो, अब मेरा किसी से बात करने का मन नहीं है। तो अभी आप ना संसार से विमुख हो रहे हैं, आपका बहुत ज़्यादा ऐसा मन हो रहा है कि किसी से ना बात करो, ना किसी से मिलो, ना किसी की शक्ल देखो, बस चुपचाप अकेले रहो। आपका मन हो रहा है कि कहीं दूर चले जाएं। इस वक्त बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ रहे हैं। आप टूट गए हैं स्पिरिचुअलिटी से, इसी वजह से आप जुड़ रहे हैं, क्योंकि आपका मन बहुत अशांत था और कहीं ना कहीं आप जिन्हें मानते हैं, जो आपके एंजल्स हैं, जो आपके स्पिरिट गाइडर हैं, उन्होंने आपको किसी स्पिरिचुअल पर्सन से जोड़ दिया है। हो सकता है कि सोशल मीडिया के थ्रू आप किसी ऐसे इंसान से मिले हों जो कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक परिवर्तन लेकर आ रहा है, जिसकी बातों से आप बहुत मोटिवेट हो रहे हैं। और ईश्वर अब आपसे ये कहना चाहते हैं, मेरे बच्चे, आप इस वक्त जो खुंदस लेके मन में बैठे हैं ना, ये ठीक नहीं है। आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, सब ठीक है, आप सेल्फ ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन आप जो किसी के लिए मन में खुन्नस लेकर बैठे हैं, एक क्रोध, एक गुस्सा लेकर बैठे हैं, कोई भी हो, दोस्त हो, परिवार का कोई मेंबर हो, लाइक जिससे आप प्यार करते थे उसने आपका दिल तोड़ा हो, कोई भी हो, कोई भी हो, आपको पता है ताली एक हाथ से नहीं बजती है, आपने भी हाथ मिलाया होगा तभी बजी है, तो आपकी भी तो गलती है ना, आप नहीं समझ पाए, आपकी उस वक्त इंट्यूशन स्ट्रांग नहीं थी। तो अभी अपनी गलती को स्वीकार करिए, अपनी गलती को स्वीकार करिए कि हाँ, ये मेरी गलती थी और इसी वजह से ऐसा हुआ, लेकिन अब मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, आप उसे माफ़ भी कर दीजिए। क्यों उस टॉक्सिक इंसान की बातें, उस टॉक्सिक इंसान की यादों का बोझ लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं? हाँ, क्यों बढ़ रहे हैं? आपको पता है हम नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचेंगे, वो बलशाली होंगी और कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्ट भी होंगी। मैनिफेस्टेशन किसे कहते हैं? जिस चीज़ के बारे में हम कंटिन्यूसली सोचते रहें पॉजिटिव होकर। अब आप उसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, उसी सिचुएशन के बारे में बार बार सोच रहे हैं, तो यूनिवर्स को क्या क्या मैसेज मिल रहा है? यूनिवर्स को ये मैसेज मिल रहा है कि शायद आप इसमें इंटरेस्टेड हैं और इसी वजह से आप इसके बारे में इतना सोच रहे हैं, तो फिर यूनिवर्स आपको वो और भी ज़्यादा दे देंगे। तो आपको ऐसे घटिया लोगों के बारे में सोच कर अपना दिन, अपनी रात खराब नहीं करनी है। आपको अपने बारे में सोचना है, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना है और उसे माफ़ कर देना है। उससे किसी भी तरीके का कोई रिश्ता नहीं रखना है, ना दोस्ती का और ना दुश्मनी का। रिश्ता कोई भी हो, दोनों ही खतरनाक हैं, या दोस्ती हो या फिर दुश्मनी हो, आप बिल्कुल इन सब चीज़ों से रहित हो जाइए। जैसे कि ना आपकी किसी से दुश्मनी है, ना आपकी किसी से दोस्ती है, कुछ नहीं है, आप बस अकेले मस्त हैं, अकेले स्वस्थ हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर यहाँ पर यही कहना चाहते हैं, मेरे बच्चे, इस प्लैनेट पर, इस पृथ्वी पर बहुत सारी चीज़ों को सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी लोग इन चीज़ों को इतना सीरियस ले लेते हैं कि डिप्रेशन की स्थिति में चले जाते हैं, उल्टे सीधे कदम उठा लेते हैं, लाइक सुसाइड जैसे, उसने मेरे साथ ये किया, अब मैं कैसे जीऊँगी। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमें लेसन देने के लिए दी जाती हैं, समझ रहे हैं, जिससे हमें एक अनुभव मिले, जिससे हमें एक सबक मिले। बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ को। और कुछ लोग सोचते हैं ना कि मेरी ज़िंदगी में दुख ही दुख है, मेरी ज़िंदगी में दुख ही दुख है, मैंने बचपन से लेकर आज तक सिर्फ दुख झेला, दुख देखा। ये सरासर झूठ होता है, हम बता रहे हैं क्यों होता है। एक तो मान लीजिए कि बचपन में दुख आया, फिर आगे भी दुख मिला, तब आप समझदार नहीं थे, फिर आप धीरे धीरे समझदार हुए, फिर आप वही सोचते रहे कि मुझे हमेशा दुख मिलता है, मेरी किस्मत ख़राब है। आप कमेंट में भी लिख के जा रहे हैं, मेरी किस्मत ख़राब है, मेरा ये हो गया। अब आप जो लिख रहे हैं, कहीं ना कहीं आप ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को मैसेज सेंड कर रहे हैं, आप उसी तरह की एनर्जी अपने आसपास क्रिएट कर रहे हैं, तो आप उसे ही आकर्षित कर रहे हैं। जो जैसा सोचता है वो वैसा करता है और एक दिन वो वैसा ही बन जाता है ना।
आपने सोचा तो ये आपका अपना मैनिफेस्टेशन है जो आपकी ज़िंदगी से दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, वरना ये तो प्रकृति के नियम के बिल्कुल खिलाफ है। यहाँ पर कोई भी सिचुएशन एक जैसी हमेशा नहीं रहती है। कभी ऐसा हुआ कि हमेशा रात ही रात बनी रही, दिन आया ही नहीं, सर्दी बनी रही, गर्मी आई नहीं, बारिश ही बनी रही, हैं? देखिए, यहाँ पर पतझड़ भी आता है, यहाँ पर सावन भी आता है। कभी हंसना है, कभी रोना है, जीवन सुख दुख का संगम है। ये तो प्रकृति का नियम है। चाहे आप करोड़पति बन जाओ, अरबपति बन जाओ, विश्व के सबसे धनवान व्यक्ति बन जाओ, लेकिन आप ये तो सोचना ही छोड़ दो कि जीवन में दुख आएगा नहीं। भाई, प्रकृति इसी के संबल से चलती है। यही तो चीज़ें प्रकृति को बैलेंस करके रखती हैं। दुख आता है तो सुख जाता है, सुख आता है तो दुख जाता है। दुख एक बार दुख आया, एक बार सुख आया, सिचुएशन बदलती रहती है। ऐसे ही बदलती रहती सिचुएशन, लेकिन आप जब सुख आता है ना, तो उसे महसूस ही नहीं कर पाते। सुख तो छोटी छोटी चीज़ों में मिल जाता है, खुशियाँ तो छोटी छोटी चीज़ों में भी मिल जाती हैं। बस खुशियाँ ढूंढने की कोशिश तो करिए आप। आपको लगता है कि मुझे खुशी तभी मिलेगी जब मैं करोड़पति बन जाऊँगा, तो भाई सपने थोड़ा हिसाब से देखिए, छोटे छोटे सपनों से शुरुआत करिए। हाँ, आप कमाते नहीं 1000 रुपये, आप सपने देख रहे हैं 1,00,000 रुपये के, तो कैसे होगा? शुरुआत तो आपको 1,000 रुपये से करनी पड़ेगी ना। तो छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करिए। अगर आप चाहें तो छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ सकते हैं। हाँ, ये तो सरासर झूठ है कि भाई दुख हमेशा रहता है, सुख कभी आया ही नहीं। ऐसा नहीं है, आता है, सुख भी आता है, दुख भी आता है हम सबके जीवन में। अब हम आप लोगों को मोटिवेशन देते हैं, हम आप लोगों को समझाते हैं कि हमारे जीवन में दुख नहीं आता। हाँ, बिल्कुल आता है। किसी का भी बिजनेस हो, किसी की भी जॉब हो, उतार चढ़ाव, अप डाउंस हर किसी की लाइफ में आते हैं। कभी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, कभी सब कुछ बहुत ख़राब चलने लगता है। हाँ, तो आपको बैलेंस बना के रखना है। किसी के सामने अपने घाव दिखाने छोड़ दीजिए, समझ रहे हैं? मरहम किसी के पास नहीं है, नमक बहुत लोगों के पास है। मरहम उसी के पास है जो स्पिरिचुअल होगा। हो सकता है कि कोई फ़िलहाल के लिए आपके ज़ख्मों पर मरहम लगा दे, लेकिन उसका जो मरहम है ना, वो आपके घाव को सुखाएगा नहीं। वो थोड़ी देर के लिए राहत दे देगा, आगे चलकर फिर भी आप वही पीड़ा से गुजरते रहेंगे। तो हर किसी के सामने अपनी पर्सनल बातें, अपनी पर्सनल चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें किसी से शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, है ना? नमक सबके पास है, मरहम सबके पास नहीं है। नमक घर घर में है, पर मरहम घर घर में नहीं है। तो थोड़ा सा सावधान बहुत सारी चीज़ों के लिए। यहाँ पर जो लोग पार्टनर के लिए रो रहे हैं ना, और उन्हें लग रहा है कि अब बस उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, तो यहाँ पर ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आप उस इंसान के साथ रिश्ते में थे जो कहीं ना कहीं दूर दूर तक आपको डिज़र्व ही नहीं करता था, जो बहुत नेगेटिव, बहुत टॉक्सिक, बहुत जैसे कि क्या बताएं, इमैच्योर पर्सन था। लेकिन अब आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो गए हैं ना, आप मेडिटेशन करने लगे हैं, आप अपने अस्तित्व की पुकार को सुनने लगे हैं, आप समझने लगे हैं कि मेरा सोल पर्पस क्या है, मैं इस पृथ्वी पर क्यों हूँ, और आप सेल्फ लव करने लगे हैं, तो बहुत जल्द आप पाएंगे कि आपकी ज़िंदगी में वो आया जो आपके लिए बना है। समझ रहे हैं? जैसे ही वो आपकी लाइफ में आएगा, एक तो आपके जो करियर की गाड़ी पटरी से उतर गई है ना, वो पटरी पर आ जाएगी। आपकी लाइफ में सब कुछ बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही वो आपकी लाइफ में आएगा, आपको आपके करियर में एक बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी। ये बहुत बड़ा साइन है। जब भी आपका ट्रू लव आपको मिलेगा, आपको कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिलेगी आपके करियर से रिलेटेड, ये समझ लीजिए। अभी आपको अपनी फीलिंग्स छुपानी पड़ती हैं, हाइड करनी पड़ती है, क्योंकि सामने वाला समझ नहीं रहा है। लेकिन तब पता है क्या होगा, वो आप कितना भी छुपाएंगे वो जान ही लेगा, वो समझ ही लेगा। अभी आपको सामने वाले के प्यार के लिए तरसना पड़ता है, क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक नहीं होती, लेकिन वो
आपको इतना प्यार देगा कि आपके सारे पुराने घाव, पुराने जख्म भर देगा अपने प्यार से। आपको खुशियाँ इतनी देगा कि आप भूल ही जाएंगे कि आपका पास्ट इतना बुरा था। समझ रहे हैं? तो ईश्वर कह रहे हैं, मेरे बच्चे ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। जो बुरे लोग थे ना कहीं वो आपको एक सबक दे रहे थे, एक सीख दे रहे थे। उनको थैंक यू बोलो और लाइफ में आगे बढ़ो, उन्हें माफ़ करके आगे बढ़ो। बहुत ज़्यादा परेशान मत करो खुद को। समझ रहे हैं? यहाँ पर क्या है कि आपको चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी कि हाँ, जो हो गया सो हो गया, अब बस मुझे उससे आगे बढ़ना है। किसी को दोष नहीं देना है, ठीक है? आपकी जो भी डिज़ायर है, डियर पायल नंबर टू, आपकी जो भी डिज़ायर है, आप अपने डिज़ायर के बारे में सोचिए। अपना फोकस, अपनी इंटेंशन, अपने एम के ऊपर रखिए। आपको पता है आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको आपके मार्ग से भटकाते हैं, आपको आपके मार्ग से भटकाते हैं। कभी कोई बात हो गई, कभी कोई बात हो गई, कभी किसी बात में आपको परेशान करते, कभी किसी बात में आपको परेशान करते हैं। लेकिन आपको आपके मार्ग से भटकना नहीं है। आपकी जो डिज़ायर्स हैं, आप जो पाना चाहते हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप उन्हें प्राप्त करें, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने एम तक पहुँचे, आप सक्सेसफुल इंसान बने, तो आपको लोगों की बातों को सुनकर अपना रास्ता नहीं भटकना है। बस अपने मन में एक धारणा बना लीजिए कि मुझे वहाँ पहुँचना है, और जब तक मैं वहाँ तक नहीं पहुँच जाता, मुझे आराम नहीं करना है। बस मुझे किसी और की सुननी नहीं है, कौन क्या बक रहा है, कौन क्या कह रहा है, उसे कहने दीजिए। आप देखना, आप वहाँ पहुँच जाएंगे। आप जो पाना चाहते हैं आप वो पा लेंगे। आपको पता है आपकी इंट्यूशन, आपकी अंतरात्मा आपको बहुत कुछ बोलती है, लेकिन आप उसे इग्नोर करते हैं। अपने इंटरनल गाइडेंस को सुनने की कोशिश करिए, सुनने की कोशिश करिए। आपकी सोल, आपकी अंतरात्मा आपको बहुत सारे गाइडेंस देती है समय समय पर, लेकिन आप उसे इग्नोर करते हैं। बहुत सारी चीज़ों के लिए, कोई इंसान हो, कोई भी हो, आपको खुद भी पता है कि कौन क्या है। आपके मन में इस वक्त बहुत सारे सवाल होंगे, उनका आंसर आपके पास है, ऑलरेडी उसका आंसर आपके पास है, लेकिन आप जैसे कि अभी भी सुनकर भी अनसुना कर रहे हैं, जैसे कि देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। कभी कभी होता है कि किसी इंसान का सच हमारे सामने होता है, लेकिन फिर भी हम कहते नहीं, ऐसा नहीं है, मैं नहीं मान रहा, मैं नहीं मानने को तैयार नहीं हूँ, मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानता। तो फिर किसकी कमी है? आपकी कमी है ना। तो एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि जो भी आप जानना चाहते हैं उसका आंसर ऑलरेडी आपके पास है, सच आपको पता है। अब आप इग्नोर कर रहे हैं, ये बात अलग है। और इग्नोर करेंगे तो फिर आगे चलकर दुख पाएंगे, फिर आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। ध्यान रखना। देखिए, किसी रिश्ते की एंडिंग हुई हो, आपकी जॉब छूट गई हो, परिवार के लोग ना समझ रहे हों, जैसे कि अभी हमने बताया ना कि आप में से बहुत सारे लोग बहुत दुखी हैं किसी बात को लेकर, शायद फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है किसी भी चीज़ को लेकर, तो आपका मन हट रहा है हर चीज़ की तरफ से। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि जो भी चल रहा है उससे भागिए मत, उसे फेस करिए। जैसे कि दुख आया है, परिवार में सब कुछ बहुत ऐसा है जो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जो हो रहा है, तो इस वक्त आप बैलेंस बनाने की कोशिश करिए और फेस करिए उन चीज़ों को, उनसे भागिए मत। टेंशन मत लीजिए कि ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। हर एंडिंग के बाद एक अच्छी सी बिगनिंग होती है। बस आपने अंदर जो एक इल्यूज़न क्रिएट करके रखा है ना, आपने अपने अंदर जो एक इल्यूज़न बना के रखा है, एक भ्रम बना के रखा है, आपके जो भ्रम की दुनिया है, आपको उसे रिलीज़ करनी पड़ेगी। जैसे किसी चीज़ के बारे में आपने सोच रखा है, ये ऐसा है, ये ऐसा, ये ऐसा, आपको भ्रम से बाहर निकलना पड़ेगा। आपके अंदर भ्रम बहुत ज़्यादा है बहुत सारी चीज़ों को लेकर, आप सच्चाई देख कर भी नहीं देख रहे हैं, आपको सच्चाई देखनी पड़ेगी। ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। माँ भगवती आपसे कहना चाहती हैं कि जिन चीज़ों से आप डर रहे हैं, आपको इनसिक्योरिटी फील हो रही है, जैसे कि किसी को आपने अपना सब कुछ माना था लेकिन आज वो आपको परेशान कर रहा है, कोई भी डर है किसी भी चीज़ का, किसी भी चीज़ के लिए आप इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं,
तो उसका सामना करिए, अपने डर का सामना करिए। जब आप डर का सामना करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे, डर के आगे जीत है। जिस दिन आप डर का सामना करेंगे उसी दिन आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मेजर चेंज होगा, स्पिरिचुअल चेंज होगा। आप तो जैसे कि सोच ही नहीं पाएंगे कि मेरे अंदर इतनी पावर थी, मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ थी, मैंने तो सोचा ही नहीं था। माँ पार्वती सोचती थी कि मैं बहुत असहाय हूँ, बहुत हेल्पलेस हूँ, हाँ मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं इन दुष्टों का सामना नहीं कर सकती। लेकिन जब उन्हें उनका महाकाली रूप याद आया तो वो खुद भी हैरान थी कि मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, मेरे अंदर इतनी पावर है। ऐसे ही आपके अंदर भी महाकाली हैं, आपके अंदर भी बहुत स्ट्रेंथ है। तो आप डर का सामना करिए, जो लोग आपको डरा रहे हैं, दबा रहे हैं, उनसे डर के दब के भागिए मत, उनका सामना करिए, है ना। भगोड़े बनने की ज़रूरत नहीं है, सिचुएशन से भागना नहीं है, सिचुएशंस को समझना है, उनका सामना करना है। और एक बात हमेशा गांठ बांध लीजिए कि यहाँ पर चीज़ें बदलती रहती हैं, दुख सुख आते जाते रहते हैं, और हमें बस इसमें एक बैलेंस क्रिएट करके रखना है। समझ रहे हैं आप, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखने आए हैं, एक्सपीरियंस करने आए हैं, तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा, आपको अनुभव तो लेना ही पड़ेगा, चाहे अच्छा हो या फिर बुरा हो। क्योंकि आने वाली जो न्यू सोल्स होंगी, फिर आप उनके स्पिरिट गाइडर बनेंगे, फिर आपको उनको समझाना पड़ेगा। प्रकृति हमें पढ़ा रही है, यूनिवर्स हमें पढ़ा रहे हैं, हमें लेसन दे रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, अच्छी बुरी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। तो हमें उन्हें समझना होगा, जिससे आने वाली जो न्यू जनरेशन होगी उससे हम एक सही रास्ता दे सकें, उन्हें हम गाइडेंस दे सकें अपने अनुभवों के बेस पर। दूसरों के अनुभवों पर कब तक जिएंगे, आपका अपना भी तो अनुभव होना चाहिए, है ना। माँ का आशीर्वाद, मदर ब्लेसिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो सकती है आपके करियर के लिए, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर लोगों का काम कहने होता है वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, और आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम ओम साईं राम।